नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर। आप देख रहे हैं खबर 7 न्यूज चैनल। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। हम अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिर्जापुर जिले में स्थित चंद्रकांता के किले के रहस्य से रूबरू करा रहे हैं। इस किले के और भी अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए देखिए हमारे खबर 7 न्यूज चैनल की यह खास पेशकश। आइए दोस्तों, ये जो सामने गेट दिख रहा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे राजाओं का शीश महल हुआ करता था आगे, तो हम जानकारी लेंगे इन भाई साहब से। ये क्या है, ये क्यों गेट बना हुआ है? हाँ देखिए सर, जो गेट बना हुआ है देख रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में 700 बरस तक मुसलमानी हुकूमत हो चुका है। शेरशाह सूरी, औरंगजेब, पृथ्वीराज, पिथौरा, शहाबुद्दीन, मोहम्मद गोरी, इस्लाम शाह, अकबर, हुमायूं, बाबर का अंडरग्राउंड इसके अंदर शीश महल है। जितना राजा इसी में रहा करते थे, आज यहाँ का पुलिस स्टेशन का सबसे बड़ा अधिकारी SP साहब रहते हैं। इधर जाने का नो परमिशन है। 6 महीने के बाद भी जब किला खुल जाएगा तो आप लोग भी अंदर घूम सकते हैं। ये देखिए, अब पहले राजाओं का शीश महल हुआ करता था और इस समय यह जो स्थान है स्वामित्व जो है कि गवर्नमेंट के स्वामित्व के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके बाद यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया था। अभी हम उसके दृश्य को आपको दिखाएंगे अपने चैनल खबर 7C के माध्यम से। आइए दर्शकों, हम जानना चाहते हैं कि कौन सा गेट है, और हमारे कैमरामैन आशीष पटेल जी लगातार आपको कवरेजिंग दिखा रहे हैं कैमरे के द्वारा। आशीष जी, थोड़ा ये जो यहाँ पे फाटक लगा हुआ है उसको फोकस करिए, दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए भाइयों, देखिए यहाँ पे जो कि काफ़ी पुराना दरवाज़ा बना हुआ है, इसके बारे में जानेंगे कौन सा फाटक है, कौन सा द्वार है। तो ये बताइए कौन सा द्वार है? हाँ देखिए सर, ये चुनारगढ़ किले का ये पूर्वी द्वार है, ये मेन गेट है। इसको लोग मेन गेट कहा करते थे। ये किसी ज़माने में ये मुगलों का शासन काल में राजाओं के राज में मेन गेट था अंदर जाने के लिए। आज ये किला का दुर्दशा इतना ख़राब हो चुका है सर, कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये तो हमारे माननीय अनुप्रिया पटेल जी, राज्य मंत्री जी ने थोड़ा सा ध्यान दिया। इसका जो चहलकदमी बढ़ रहा है, इस पर पता लग रहा है कि मुजरिम हाल चिड़ियाघर बनने वाला है, इसलिए जनता का अपार भीड़ बढ़ रही है देखने के लिए। लेकिन न तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, न तो लेटरिन बाथरूम का व्यवस्था है, न तो कुछ खाने पीने का व्यवस्था है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मंत्रियों को और भारत सरकार गवर्नमेंट जो है हमारी और योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं कि इस महल का और जो किला है उसका कैसा आप लोग देख रेख के लिए सुविधाएँ अवेलेबल करवाना चाहते हैं उनसे? हम तो सर यही कहेंगे कि हमारे योगी आदित्यनाथ एक भगवान का स्वरूप है, जो कि यहाँ के राजा भर्तृहरि वो भी योगी थे। इस पर थोड़ा सा योगी महाराज जी का ध्यान हो जाए, उत्तर प्रदेश सरकार की ध्यान हो जाए, तो इसका स्वर्गीकरण बदल दिया जाए। एक हमारा देश का, विश्व का, हमारे देश का एक राज धरोहर है, इसको लोग बचा ले। देखने के सहयोग में जनता उमड़ रही है, जनता की भीड़ है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे समस्या है, जो कि पानी का व्यवस्था, बैठने का व्यवस्था है। लोग तरह तरह के मुकाबले बातें करते हैं कि यहाँ कोई सरकार नहीं जाग रहा है, ऐसा क्यों है, हम लिखा पढ़ी करके देते रहते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। आइए दर्शकों, हम आगे और लेके चलते हैं और किले के अंदरूनी भाग को अपने चैनल खबर 7C के माध्यम से दिखाएंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे ये लाल रंग का कोई पत्थर दिख रहा है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं क्या है। हाँ, इधर से जो सामने देख रहे हैं, अभी हमने बताया आपने, अभी सामने दिखाएंगे कैमरामैन हमारे, आगे से आइए हम दिखाते हैं। जो हमने अभी आपको बताया राजाओं का शीश महल होता था, अभी आपने वो जो सामने वाला गेट हमने दिखाया था उसके माध्यम से, तो वहाँ से अभी इस समय SP साहब वहाँ पे रहते हैं, इसलिए उधर जाने के लिए रोका गया है। ये सामने सामने आप देखेंगे तो जो टीले पे दिख रहा है ऊँचाई पे पेड़ के पीछे, वह शीश महल के नाम से जाना जाता था, वहीं पर राजा रानी महल के अंदर रहा करते थे। अरे दोस्तों, जिस इस महल की अभी चर्चा हो रही थी, देखिए हमारे कैमरामैन आशीष पटेल जी दिखा रहे हैं कैमरे के माध्यम से, खबर 7C न्यूज चैनल पे लाइव दिखाया जा रहा है। ये शीश महल सामने दिख रहा है आपको, इसी में राजा महाराजा, राजा रानी इसमें रहा करते थे, जो कि अभी कुछ प्रशासनिक जो कारणों के कारण इसको रोका गया, और कहने में ऐसे सुनने में आ रहा है कि लगभग 6 महीने के बाद इसकी मरम्मत जब हो जाएगी इसको फिर से खोल दिया जाएगा। यहाँ के मंत्री जो हैं अनुप्रिया पटेल के द्वारा यह जो है कि किले का जीर्णोद्धार के लिए काफ़ी पैसा यहाँ पर उन्होंने आवंटित करवाया है, तो इसके जब 6 महीने के बाद अगर यह किला फिर से तैयार हो जाएगा तो हम अपने चैनल खबर 7C के माध्यम से पुनः इस चीज को प्रसारित करेंगे। खबर 7C फिर यहाँ पे टीम के साथ आएगी और इसका लाइव कवरेज आपके सामने प्रस्तुत करेगी। आइए अब आगे हम लेके चलते हैं मेन गेट, जो ये चुनार बाजार है, बाजार से मेन गेट है, पूरा हम इसके बारे में जानते हैं। अभी आप लोग वो हम सीधे लेके चलते हैं और मेन गेट से अब एंट्री कराते हैं किले में।
ये जो है कि और इधर वर्णित किया गया है पुरातत्व विभाग का यहाँ पे जो है कि पूरा यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पे दरबारियों के लिए स्थान बनाया गया है, इधर भी साइड में भी। और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई थी उसके जाने के बाद यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया था, जो कि अभी इस टाइम इस समय बताया जा रहा है कि इसको बंद कर दिया गया है। अब फिर से दर्शकों के लिए पर्यटन स्थली घोषित कर दी गई है इसको अनुप्रिया पटेल के द्वारा। तो कुछ दिनों के बाद इसकी स्थिति सुधर जाएगी और फिर से जीर्णोद्धार हो जाएगा। तो हम आपको पुनः अपने खबर श्रवंशी न्यूज चैनल के माध्यम से यहाँ पे इस जो चुनारगढ़ का किला है उसका हम कवरेज कराएंगे अपने चैनल खबर श्रवंशी के माध्यम से। ये देखिए अंदर जो मेन फाटक है चुनार बाजार आपको सामने दिखेगा। हम अपने कैमरामैन आशीष पटेल जी से कहेंगे कि एक बार आप यहाँ से बाजार का सीन दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए सीधा सीधा देखेंगे आप यहाँ से मार्केट का सीन दिख रहा है, वहाँ से ही मेन मार्केट से है पहला गेट है, मेन गेट इसी को कहते हैं। तो आइए और यहाँ पे बताया जाता है कि आला उदल जब आते हैं लड़ाई करने के लिए किले पे चढ़ाई करते हैं तो इनकी भी कुछ यहाँ पे गाथाएँ हैं, तो हम उसको भी जानना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे साथ भाई साहब हैं, उनसे ये बताइए कि क्या उनकी रहस्यमयी गाथाएँ। रहस्य ऐसा है सर कि लोग बताते हैं कि जब आल्हा ने रानी सोनमा को शादी करने के लिए अपने घोड़े से आया तो अपना घोड़ा इस किले के अंदर कुदा दिया। आइए चलते चलते बताते हैं। और देखिए इस घोड़े का टाप का निशान भी आपको दिखाते चलेंगे। ये देखिए दर्शकों, ये घोड़े के नौल जो होता था उसके निशान है, देख लीजिए। और इससे आपको प्रमाण मिल जाएगा कि यहाँ पे घोड़े के द्वारा चढ़ाई की गई थी, आला उदल के घोड़े को द्वारा ये चढ़ाई की गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि उनके भाई उदल का जब यहाँ पे युद्ध में लड़ाई में उनको मारा जाता है तो वो सोनवा रानी जो होती थी, ये देखिए गड्ढा घोड़े का यहाँ पे निशान है नाल का। और आगे भी दिखाते हैं हम अपने चैनल खबर सेवंसी के माध्यम से। तो इसी गेट से उन्होंने घोड़े के माध्यम से जो रानी यहाँ की सोनवा रानी थी उनको यहाँ से भगा ले जाते हैं। और फिर जाके ये देखिए एक और निशान आपको मिलेगा यहाँ पे घोड़े के नाल का निशान, ये है इसी द्वारा इन्होंने क्या किया, घोड़े के द्वारा ये चढ़ाई किए थे। तो आइए अब जानते हैं यहाँ पे कुछ स्तंभ है उसके बारे में, कुछ क्या कहानी है उसकी। हाँ तो सर इसकी कहानी है कि जब आला आया तो स्वामी राजा जो नेपाल का रहने वाला स्वामी राजा जा 1333 की बात है, तो एक चुनारगढ़ किले में दो लोहे का स्तंभ गाड़ा था। तो पहचान के लिए कि जो वीर यदि लोहे पर वार कर देगा लोहा कट जाएगा, वही वीर मुझसे युद्ध करने में सक्षम होगा। तो उसका कटा हुआ तलवार से आज भी यहाँ पर निशान पड़ा हुआ। दोनों कटिंग आला के तलवार की है। देखिए दर्शकों हम सीधे से लाइव कवरेजिंग दिखा रहे हैं। ये कटिंग जो है लोहे का स्तंभ बना हुआ है, ये लोहे का स्तंभ बना हुआ है। और उनका उस समय यह जो है कि योजना हुआ करती थी और ऐसा कंडीशन हुआ करता था, ऐसा प्रतिबंध हुआ करता था कि जो भी राजा हमसे लड़ाई करने के लिए आएगा उसके तलवार को उसको पहले यहाँ पे निशान लगाना पड़ेगा। अगर उसका तलवार से ये निशान बन जाते हैं तभी हम उनसे लड़ाई करेंगे। फिर आइए देखिए एक और स्तंभ बना हुआ है, उसमें भी वार करना होता था। लोग बताते हैं कि जब आला ने अपने घोड़े से यहाँ पर अब जब आला ने अपना घोड़ा उतरा है तो उसके पैर का भी निशान जो देख रहे हैं इसको स्टैंड पर ले लीजिए भैया जी। ये देखिए आला के पैरों के निशान है। तो इससे पता चलता है कि उस समय उस जमाने के जो योद्धा होते थे कितने वीर हुआ करते थे, उनके पहनावे कितने भारी हुआ करते थे। लंबाई चौड़ाई देखिए उससे पता चल रहा है काफ़ी भारी भरकम उनके शरीर की वेट हुआ करती थी, वजनी और कह लीजिए महामानव के रूप में हुआ करते थे, ऐसे योद्धा हुआ करते थे उस समय। तो आइए अब हम सीधे अब आपको लेके चलते हैं दूसरे स्तंभ के पास, लो स्तंभ है जो उसके बारे में उसको भी दिखाते हैं। इधर देखिए इधर भी देखिए निशान है, ये तलवार के द्वारा ये देखिए निशान है। तो यहाँ पर भी उन्होंने निशान लगाया था, इस निशान से पता चलता था कि आप शक्तिशाली राजा हैं, आप हमसे लड़ाई कर सकते हैं। इधर भी है, दिखाया जाएगा अभी आपको हमारे चैनल खबर सेवंसी के माध्यम से। आशीष पटेल जी कैमरामैन हमारे लगातार कवरेज करके आपको ये सारी जानकारी यहाँ के किले की आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो आइए दर्शकों अब हम चलते हैं अब अंदर देखे महल के किले के और कुछ जानकारी अंदरूनी हम जो भी है उसको बताने का अपने खबर सेवंसी न्यूज चैनल के माध्यम से काम करते हैं।